लो भाई, गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतनी गर्मी लगती है ना, चाहे कुर्ता डालो, चाहे आप सलवार सूट डालो, चाहे आप लोअर डालो, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना। तो इसी चीज़ को देख के मैंने कुछ अपने लिए ना लॉन्ग स्कर्ट्स मंगवाई थी। फिर मेरे दिमाग में आया, यार क्यों ना इस पर हॉल किया जाए। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये प्लाजो स्टाइल में लॉन्ग स्कर्ट है और इसका जो कपड़ा है ना, वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो पॉलिएस्टर टाइप में है। मैंने ओपन करके देख ली थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत प्यारे फ्लावर्स बने हुए हैं, ब्राउन कलर का शेड है इसका, ब्राउन फ्लावर्स है और ब्राउन के ऊपर ही इसका कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की बेल्ट मिल जाएगी, इस तरह से आपको इलास्टिक मिल जाएगी यहाँ पे, और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये प्लाजो स्टाइल में है बट इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है और ये मुझे अच्छी लगी। बस इसका कपड़ा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पॉलिएस्टर में है, तो ये आप घर पे भी डाल सकते हो और इसको बाहर किसी भी टॉप के साथ, टैंक टॉप के साथ बहुत ही प्यारी लगने वाली। खुला डुला है यार, ये बहुत अच्छी स्कर्ट है। इसका ट्राई ऑन साथ में लगा दूंगी, वहीं से आप चेक इट आउट कर लेना ये किस तरह की लगेगी। रेड के साथ का इसका कंट्रास्ट भी अच्छा आएगा, ब्लैक के साथ तो ये बहुत प्यारी लगने वाली है, विद वाइट टैंक टॉप बहुत प्यारी लगने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताना भूल गई, ये सारी मीशो से ही मैंने परचेज़ किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन कौन सी है। तो ये कुछ इस तरह की है, इसकी पिक्चर साथ में ही चल रही है और ये इसका डिज़ाइन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बेल्ट मिली हुई है आपको, बटन्स हैं यहाँ पे और इसका ना कपड़ा बड़ा फाइन है। कपड़ा इसका कॉटन का है, प्योर कॉटन की है ये, और इसमें चेक में आपको डिज़ाइन मिल जाएगा और नीचे आपको ना बहुत प्यारे प्यारे फ्लेयर्स मिल जाएंगे इस तरह से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ऊपर से टाइट और नीचे से फ्लेयर में, और इसकी लुक बहुत प्यारी आने वाली है। पिक्चर में आप देख लो, वाइट टॉप के साथ, टैंक टॉप के साथ, तो ये बहुत मस्त लगने वाली है। तो ये कॉरियन स्टाइल में है भाई, पहले ही बता दूँ, किसी का लेने का मन है तो वो ले सकते हैं। ये प्योर कॉटन में है और लेंथ इसकी आपकी नीचे से नीचे ही मिलेगी आपको। अगर 5x5 है तो आपको बहुत अच्छे से आएगी, दोनों स्कर्ट्स बड़े अच्छे से आएंगी। इससे ज़्यादा है तो शायद थोड़ी ऊपर आए आपको, मेरी हाइट 5x5 है तो मुझे बहुत अच्छे से आ रही हैं ये। इनके ट्राई ऑन में साथ साथ में लगा रही हूँ, आप इसको प्रॉपर देख के ही लेना, क्योंकि ट्राई ऑन में कभी कभी सामने कोई चीज़ दिखती है बहुत अलग लगती है, बट जब आप उसको वेयर कर लेते हो तो उसकी लुक बिल्कुल ही अलग आती है। तो ट्राई ऑन मत मिस करना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लैक ही मंगवाई थी और फुल फ्लेयर में मंगवाई थी, और ये आई थिंक रियॉन का कपड़ा है, बहुत सूदिंग कपड़ा है और इसकी जो स्टिचिंग है ना बहुत ही प्यारी है। तो चलिए, इसमें इलास्टिक आपको मिल जाएगी, स्मॉल साइज़ में मैंने मंगवाया है ये, और इसके आपको इस तरह से 1, 2, 3 ऐसे लेयर्स में मिल जाएंगी। बीच में इन्होंने आपको फ्लेयर दी है, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ना बस लॉन्ग हो, ये एंकल तक आनी चाहिए, अगर एंकल के ऊपर आई ना तो बहुत ही बकवास लगेगी। ओवरऑल अच्छी है, यहाँ पर आपको इस तरह से दो टाइट करने के लिए नोट भी दी है, बहुत अच्छा है काम। सेम फ्लेयर थोड़ी कम लग रही है, तो इसका ट्राई ऑन मिस मत करना। लगा दूंगी मैं साथ में, तो आपको इसकी पूरी लुक का पता लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो डेनिम का कपड़ा अच्छा है, तो कुछ इस तरह का है ये। तो इसकी जो लुक है ना, आई डोंट नो मुझे ऊपर से आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ से फिटिंग इसकी अच्छी आनी चाहिए। मैंने आई थिंक ये स्मॉल ही मंगवाया है या मीडियम मंगवाया है, इससे ऊपर मैंने कोई भी साइज़ नहीं मंगवाया है। तो इसमें आपको पीछे हल्की सी छोटू सी यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी, और यहाँ पर पूरी बेल्ट है, यहाँ तक ये बेल्ट है, और यहाँ पर आपको बटन मिल जाएंगे। कपड़ा फाइन है, नो डाउट इनमें, मतलब डेनिम का कपड़ा बहुत हल्का होता है, कई बार देखने में तो लगता है बहुत अच्छी है पिक्चर में, बट उसका कपड़ा बहुत हल्का आता है, बट इसका कपड़ा जो है ना बहुत फाइन है, अच्छे वाला है। तो ये आपके नीज से थोड़ी नीचे ही आएगी, मुझे तो लग रहा है कि मेरे को नीज तक आएगी या नीज से नीचे ही आएगी। तो इसका जो कपड़ा है ना वो फाइन है, बट धोने के बाद इसके कपड़े का मुझे बिल्कुल नहीं पता किस तरह का रहेगा किस तरह का नहीं। वाइट वाइट वाइट, सभी का फेवरेट वाइट एंड ब्लैक। इसको मैंने बिल्कुल भी ओपन करके नहीं देखा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे हो चुका है कि मुझे कुछ और भेज देते हैं और फिर बाद में कई बार वो रिटर्न में नहीं होता है, तो फिर दिल दुखता है कि हाँ यार मैंने पैसे ख़राब कर दिए। तो ये भी वाइट कलर में ही है, प्लेन है, सॉलिड में है, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सेम है जैसे मैंने ब्लैक में दिखाई है। तो मुझे लगा शायद इसका घेरा वगैरह कुछ ज़्यादा होगा, हाँ इसका घेरा मुझे ज़्यादा लग रहा है उससे, और ये कलर बहुत प्यारा, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है यार, वाइट कलर
और ये ना पतले वाला नहीं है, इसमें सी थ्रू नहीं लगेगा आपके बिल्कुल भी, मुझे नहीं लग रहा है ये सी थ्रू है किसी तरफ से, बहुत अच्छा है। इसमें आपको कोई भी नोट वगैरह नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, और इस तरह से 1, 2, 3 फ्लेयर्स में आपको कपड़ा मिल जाएगा। फ्लेयर भी ओके है, अच्छी है बहुत। आप इसको वेयर करोगे ना तो आप बिल्कुल अलग लगने वाले। मुझे तो ये भी बहुत अच्छी लगी। इसका रेयन का कपड़ा है, सॉफ्ट मटेरियल है, और इसकी लुक देखिए कितना प्यारा शाइन आ रही है इसमें, कुछ अलग ही वाइट, प्रॉपर डल वाइट नहीं है, बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी। तो के लिए भी मेरी तरफ से तो थम्स अप है। आप डाल के देखनी पड़ेगी ये किस तरह की लगेगी। तो लॉन्ग स्कर्ट्स के ऊपर भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है होल करके। सबसे महंगी शायद यही है, और ये देख लेते हैं किस तरह का निकलेगा इसका लुक। तो मुझे अच्छी लग रही है इसकी। ओके, ये कुछ इस तरह की है। वाओ, सेम डिज़ाइन है जैसा दिखाया था, सेम वैसा ही डिज़ाइन है, और इस तरह से रिंकल्स में जो आजकल ये डिज़ाइन में चल रहा है उस तरह से है। एवरीथिंग इज़ गुड, मुझे तो अच्छी लग रही है। इलास्टिक भी अच्छी खासी है, बट हो गया ना वही बात, ये ना आई डोंट नो, ये कुछ इस तरह से है। ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा गुलाई में है और आधा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, तो ये चीज़ बराबर नहीं है। ये देखिए, ये आपको यहाँ से बराबर नहीं मिलेगा भाई, ऐसा मत किया करो। ये देखो इतना फ़र्क आपको मिल जाएगा। डिसपॉइंटमेंट, जिस पे मुझे लग रहा था बहुत अच्छी आएगी, अच्छी आई। कपड़ा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसका। आपको नीचे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा, किसी के नीचे भी कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग नहीं लगी हुई है, बट इसका मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये चीज़ अगर बराबर होती तो मैं ये पक्का रखती। ये बराबर ही नहीं है, इस तरह से आपको मिल जाएगी। ये देखिए, तो ये तो वापस जाएगी। अरे यार, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ना सभी का कपड़ा और सारा कुछ सेम है। मैंने अभी येलो में भी मंगवाया था, मुझे लगता है ऐसी फ्रिल्स वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, फ्लेयर वाली। ये कुछ अलग आई सी, यहाँ पे आपको लटकन मिल जाएंगे, और यहाँ पे गोटा पट्टी का काम है, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये सारी 300 के नीचे की ही है। और इसकी लेंथ भी मुझे अच्छी लग रही है, और इसकी जो फ्लेयर है वो भी बहुत अच्छी खासी है। इस तरह से आपको मिल जाएगी, लाइंस मिल जाएंगी, गोटा पट्टी का काम है, बहुत प्यारा। और इसकी इलास्टिक भी अच्छी है यार, इसका कपड़ा बहुत सूदिंग है, सॉफ्ट है, येलो कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लस इसका जो कपड़ा है वो रियन में है, सॉफ्ट है, और मैं अगर बोलूँ तो इसकी जो लेंथ और फ्लेयर है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छी लग रही है। ओवरऑल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही लग रही है। अगर कोई किसी का मन है ना, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। इसकी फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है, इसकी लुक मुझे लग रहा है इसके साथ तो बहुत अच्छी आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने जब सर्च किया था उसमें ये बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी सर्च पेज पे, तो मुझे लगा कि ये भी एक ले लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो सर्च में आता मतलब लोग वही ज़्यादा परचेज़ करते हैं, तो वही देख के मैंने भी ले लिया कि हाँ भाई देखे किस तरह की इसकी क्वालिटी है, लेने लायक भी है। तो ये मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है, ये थोड़ा सा जॉर्जेट का जैसे कपड़ा होता ना वैसे है। वाओ, मुझे लगा यहाँ पे इलास्टिक होगी और बेल्ट अलग से देंगे, जिस तरह की पिक्चर है मुझे वैसे लग रहा था, बट नहीं, यहाँ पे इलास्टिक है, यहीं पे आपको बेल्ट भी मिल रही है और साथ में नोट दी हुई है इस तरह से। मुझे तो अच्छी लग रही है यार इसकी क्वालिटी, और नीचे आपको कपड़ा भी मिल रहा है, अलग से लाइनिंग मिल रही है, और इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम में है, बाय गॉड बहुत ज़्यादा है। टाइगर प्रिंट है, और ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है। सीरियसली इसके साथ बेल्ट लगी है, मैं तो इसी चीज़ में शॉक्ड हूँ, बहुत प्यारी है, अच्छी लुक आएगी मुझे लग रहा है इसकी। तो चलिए इसको, इसकी फ्लेयर तो बहुत ज़्यादा है, मेरी पूरी वीडियो में कवर हो जाएगी, इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से लाइनिंग लगी हुई है, इससे ऊपर क्या चाहिए भाई, बहुत अच्छी लगने वाली है ये। मैंने बहुत गलत कर लिया मुझे लग रहा है, अब मैंने सेम फ्लेयर में ली है, लॉन्ग स्कर्ट है यार, सेम ही होएगा स्टाइल उनका ऑब्वियसली, बट ये वाइट और ब्लू कलर में इसका कम्बिनेशन है, और ये, और ये इलास्टिक मुझे कम लग रही है इसकी मेरे अकॉर्डिंग, या तो मैंने तो स्मॉल मंगवाया था, बट ये मुझे यहाँ से टाइट लग रहा आएगा। ये रॉयल ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है, टू गुड, और नीचे आपको इस तरह से फ्लेयर मिल जाएगा, और कपड़ा बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। ये भी बहुत प्यारा लगने वाला है यार, घर पे डालने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी स्कर्ट्स हैं। लॉन्ग स्कर्ट्स हैं तो ये सारी कंफर्ट जोन में आ जाती हैं, और आप इजीली वेयर कर सकते हो बिना किसी डर के, और इनको आप घर पे भी डाल सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैंने प्रेफर किया कि मैं एक समर हॉल करूं, और उसमें फर्स्ट वीडियो जो बनाऊं वो लॉन्ग स्कर्ट्स के ऊपर ही बनाऊं। तो अगर आपको ये सारी स्कर्ट्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव को कोई स्कर्ट सोच रहा है लेने की, तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हो। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा।
टिंग 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 बटन भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।